से मेरी बात सुनिए और दिल थाम के बैठ गई है। कह रहा कि साहिल मियां ने आमिर का यकीन जीत लिया है। ऑफिस के किले पर तो हमने फतेह कर लिया। हाय, इसका मतलब बहुत जल्दी आयशा के छल्ले में चाबी खनकेगी। हाँ, ये चाबियां भी खनकेंगी और सोने के सिक्के भी बरसेंगे। बस खुदा ना खास्ता आप कुछ ऐसा ना कर जाएं जिसकी वजह से पुष्पक एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ वापस जाना पड़े। सुनो, कोई आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। आयशा चमकेगी, चाबी खनकेगी। हाय, आपका भाई? बस अभी अभी जब आप चमक रही थी ना तब। ओ, आयशा तो बस यूं ही गुनगुना लेती। आयशा से कुछ काम था? एक्चुअली आयशा, मैं आमिर के लिए खाना लेकर उनके ऑफिस जा रही थी। सोचा आपसे भी पूछ लूं, चलेंगी आप? झूठ बोलो तो जुबान जल जाए आयशा की। लेकिन घर में इतने काम है कि आयशा को कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि आमिर के ऑफिस से लौटते वक्त हम कुछ शॉपिंग कर लेते। आपके लिए कुछ लेना था मुझे। लेकिन अगर आप घर के काम में इतना बिजी हैं तो इट्स ओके, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। अब झूठ बोलो तो जुबान जल जाए आयशा की, मगर लखनऊ के गड़बड़ झाले का पूरा बाजार आयशा को अच्छी तरह से पहचानता है। आयशा के कहने का मतलब है तुम दो मिनट रुको ना, आयशा अभी तैयार होके आती है। एक सेकेंड आयशा, लखनऊ का पूरा हुस्न तो आपने अपने अंदर समेट रखा है। आयशा, अब और क्या तैयार होंगी आप? मेरा मतलब है बहुत अच्छी लग रही है, चलें। इश, बात तो 16 आने 50 पैसे सच्ची है। चलिए ना। जनाब आमिर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए हुजूर, हमारी ये मजाल कि आपको अंदर आने से रोकें। हमें घर में अपनी एंट्री बंद करवानी है क्या? झूठ बोलो तो जुबान जल जाए आयशा की, अगर आप दोनों की मोहब्बत देखकर तो हमें अपने मियाँ की याद आ रही है। आयशा तो चली अपने चादर से मिलने। अच्छा बेगम, एक बात बताओ, कमरा तो लॉक करके आई है ना आप? नहीं तो। खुदा बचाए तुमसे मुझे। अरे फूफी इस फिराक में है कि हमसे कोई गलती हो तो फंस करके पकड़े हमें। तुम इमाम बाड़ा की तरह दरवाजा खुला छोड़ाई हो। कोई अंदर घुस गया तो हमारा जो मकसद है उससे हाथ पांव मुंह सब धो डालने पड़ेंगे। क्या देख रहे हो? जाओ। दिल तो तेज मेरा धड़क रहा है, खाना खास था किसी के हाथ लग जाए उन दवाइयों पर तो कयामत हो जाए। ये दवा उन औरतों को दी जाती है जो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ जारा। हाँ पा। आयशा यहाँ से घर के लिए निकल चुकी है, कुछ मिला उसके कमरे में? नहीं आपा, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सके।
और कुछ साबित कर सके। इसका मतलब हमें कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। खैर, मैं जल्दी घर आती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सारे घर में तुम्हें तलाश के थक गई हूँ। अब चलो जल्दी करो। लेकिन कहाँ? मैं तुम्हारे लिए कोई खास चीज लाई हूँ, अब देर नहीं करना, जल्दी चलो। अरे बेबो बताइए तो सही। ये रही वो खास चीज, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें तुम्हारे कमरे में लगाने के लिए। आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं बेबो। तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं, अब है सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल। इसीलिए तो ये तस्वीरें लाई हूँ। कहते हैं अगर होने वाली माँ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें देखे तो उसका होने वाला बच्चा भी उतना ही प्यारा प्यारा होता है। तो फिर तो हम चाहेंगे हमारे सामने आमिर के बचपन की तस्वीर हो। हाँ, लेकिन बेटा आमिर के बचपन की कोई तस्वीर तो है ही नहीं, मतलब कई सालों में मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी है। हो सकता है कहीं मिसप्लेस हो गई हो। बेबो कोई तस्वीर तो होगी। हाँ, आमिर के बचपन वाले कमरे में एक तस्वीर है अब्बू के साथ। अब्बू के साथ? ये तो और भी अच्छा है। वैसे भी हमने अब्बू की तस्वीर कभी नहीं देखी, लेकिन बेबो उस कमरे की चाबी तो अम्मी के पास होती है ना? तो अब बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि उसकी एक चाबी मेरे पास भी है, ये लो। लेकिन बेबो अम्मी ने तो उस कमरे में जाने से मना किया है ना, कि जब तक वो कमरा ठीक नहीं हो जाता कोई वहां नहीं जा सकता। अब दिल में बात आ ही गई है तो ज्यादा सोचो मत, क्योंकि कहते हैं ऐसी हालत में ज्यादा सोचते नहीं, और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी अम्मी जान बुरा नहीं मानेंगी। लो। शुक्रिया बेबो। जाओ जल्दी से। क्या बात है मिर्जा, आजकल आपकी बूढ़ी हड्डियां कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है। इतने साल इस दोजख जैसी जगह पर रहने के बावजूद आप में इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो दोबारा भागने की कोशिश की? सना बेगम, जिसके साथ अल्लाह का मेहर हो उसको ना ही कोई आंधी रोक सकती है और ना ही कोई तूफान। तुम मुझे 100 पर्दों में छिपा कर रख लो, लेकिन एक ना एक दिन तुम सबके सामने बेपर्दा होकर ही रहोगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी असलियत सबकी नजरों के सामने। एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक साल करके मैंने उस पल का इंतजार किया है जबकि मैं मंजिल के इतने करीब हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, ना आप ना आपका खुदा। एक जारा ही है जिसने आपको देखा है, मगर वो भी इस हकीकत तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। बेबो ने तो कहा था कि तस्वीर यहीं पर है, पर यहाँ तो कोई तस्वीर नहीं है। देख लिया जी भर के अपने आमिर को? बेबो आपने तो कहा था कि यहाँ तस्वीर है, लेकिन यहाँ तो कोई भी तस्वीर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तस्वीर तो हमेशा अरे यहीं पे हुआ करती थी। हो सकता है तुम्हारी अम्मी जान ने फ्रेम बदलवाने के लिए भिजवाया होगा। पता नहीं, लेकिन हमारा बहुत दिल था उस तस्वीर को देखने का। तो फिर दिल छोटा मत करो, अगर तस्वीर घर में नहीं है तो वापस आ जाएगी। अब अपने कमरे में चलो और आराम करो। चलो। सारा
ये सब क्या है? आपा, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चे हैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये सब मेरे कमरे में। बेबो कुछ तस्वीरें लेकर आई थी, उनमें से कुछ हमने अपने रूम में लगा दी और कुछ आपके रूम के लिए लाए हैं। तो क्या अब हम अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बहन से पूछ सकते हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत बड़ी है, हमें भी तो पता चले। आपा कहते हैं अगर कोई लड़की जो माँ बनने वाली हो प्यारे प्यारे बच्चों की सूरत रोज देखे तो उसे भी ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। इसीलिए हमने ये तस्वीरें यहाँ पर लगा दी ताकि हम दोनों को भी प्यारे प्यारे बच्चे हों। जारा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी बेसब्री से उस मुबारक दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम दोनों की गोद में छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे खेलेंगे। हम दोनों मिलकर उन्हें इतना प्यार देंगे जारा कि। अल्ले मम्मी, आप तो उदास हो गए, हम भी उदास हो जाएंगे। चलिए मुश्किल आइए, हंसिए ना। फेवरेट सीक्वेंस वाली साड़ी यूं गिर पड़ी है, मैंने तो उसे हैंगर में लटकाया था। हाय, जानू ने सही कहा था, इसका मतलब आयशा की गैर मौजूदगी में किसी ने आयशा के कमरे की तलाशी ली है। कौन हो सकता है कमबख्त? मैं आयशा बीबी, मैं तो ये कहने आई थी कि अब बताने का क्या फायदा पुपी जान? पहले ही पूछ लिया होता। आयशा की लाख बना करने के बावजूद आपने आयशा की दवाइयाँ ले ली, वो भी चोरी चोरी। आयशा, अब कुछ कहूंगी ना तो तुम बुरा मान जाओगी। पुपी जान, अब अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो आप बुरा मान जाएंगी। आप अपने हाथों में जरा क्रीम कम लगाया करिए, क्योंकि आपके हाथ दूसरों की अलमारी में कुछ ज्यादा ही फिसलने लगे हैं। जोश में आकर होश मत खाओ आयशा बीबी, मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अरे मैं क्या आऊंगी तुम्हारे कमरे में? हाँ, अलबत्ता मैंने जारा को जरूर देखा था तुम्हारे कमरे में दाखिल होते हुए। जारा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे खुदा, तौबा तौबा, आयशा बीबी तुम मुझ पर शक कर रही हो? एक भोली भाली सीधी सादी औरत पर? छी 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 छी। आयशा, अब तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा होगा ना, तब भी मैं तुम्हारे पास दवा मांगने नहीं आऊंगी और ना तुम्हारे कमरे में कभी घुसूंगी। जाओ। अब पुपी जान, आप भी ना बच्चों की बातों का बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। अगर सिर्फ एक बार आपने आयशा से सर दर्द की दवा ले ली होती ना तो ना सर रहता और ना दर्द। आयशा का कहने का मतलब है आपका सर दर्द हमेशा के लिए उड़न छू हो जाता। या अल्लाह, आयशा बीबी तुम किस दवा की बात कर रही हो? फूफी जान, आप भी ना बहुत भोली, मत भूली आपके सामने ना सारा के लिए और ना सीना, दो दो बहनें एक हो गई हैं। और अल्लाह कसम, इस सिचुएशन को देखकर आयशा का बहुत मन कर रहा है गाना गाने के लिए। सुनाओ। सुना ही दो। सुनिए ना। अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो दोनों गुल आयशा की जोड़ी। आयशा बीबी, ज्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो और दिन दहाड़े सपने देखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अपनी औकात मत भूलो तुम। याद है ना आयशा बीबी, पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? सीधा गोवा का टिकट कटवाया था। इस बार मैं तुम्हें अंडमान निकोबार आइलैंड्स भिजवा दूंगी, समझी तुम? गुल से दोस्ती करोगी? आयशा की औकात? पुपी जान, शायद आपको नहीं पता कि आयशा नवाबों के खानदान से। कसम से
अगर आयशा ने आपको इस कदर मजबूर नहीं कर दिया ना कि आप खुद ये गाना गाते हुए आयशा के पास आएंगे, तो आयशा नाम ले। आपा चलिए आज आमिर के लिए पास्ता बनाते हैं। नहीं जारा, पास्ता नहीं, छोले भटूरे बनाते हैं। याद आ गई। किसकी? बिरयानी, वो भी लखनवी बिरयानी। माशाल्लाह आयशा लखनवी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है और सब बड़े मजे लेकर खाते हैं। अब आयशा घर आ गई है ना, तो आयशा सबके लिए बिरयानी बनाएगी। आप लोग भी खाना और आमिर मियां को भी खिलाएंगे। कसम से आमिर मियां को तो बिरयानी बहुत पसंद आएगी। ओहो, लेकिन अफसोस आमिर मियां को तो लखनऊ बिरयानी पसंद ही नहीं है, उन्हें तो हजम ही नहीं होती। और हाँ, वैसे भी आमिर को हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है, जो आपा बहुत अच्छी बनाती हैं, है ना आपा? बिल्कुल सही कहा जारा ने, हम हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, जो आमिर को बहुत पसंद है ना सारा? और आप तो वैसे भी यहाँ मेहमान है, हम मेहमानों पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डालना चाहते, इसीलिए आप आराम कीजिए। आमिर का काम हम दोनों और सिर्फ हम दोनों बहने ही देख लेंगे। जारा की बातों से तो लग रहा है कि फूफी जान की बात बिल्कुल सही थी, कि जारा ही आयशा के कमरे में तलाशी लेने आई थी और छोटी बहन को ये मौका बड़ी बहन ने दिया आयशा को अपने साथ ऑफिस ले जाकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को हम पर शक हो गया? अल्लाह, अगर ऐसा है तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये टैबलेट, ये ऑफिस में दो बार ले लीजिएगा। आपको हम एक टैबलेट अभी दे देते हैं। चलिए मुंह खोलिए। कमबख्त बड़ी कड़वी दवा है। अब आप एक काम कीजिए, कुछ मीठा भी दे दीजिए। देखिए, अब इनकार मत कीजिएगा। हो गया मीठा, ये शर्ट मैच नहीं कर रही, हम आपके लिए दूसरी निकालते हैं। यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है आपा, हमने तो अपनी तरफ से आमिर का ख्याल रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और हमारे सामने तो आमिर को किसी ने भी कुछ नहीं दिया। और आपा, कल रात के बाद आमिर ने सुबह की चाय ही पी है जो हमने उन्हें खुद बना कर दी थी। कल से आमिर ऑफिस नहीं जाएगा जब तक वो पूरी तरह से सेहतमंद ना हो जाए। कारोबार का काम साहिल बखूबी संभाल रहा है। मेरे ख्याल से हमें किसी और डॉक्टर से भी सलाह करनी चाहिए। और मैं डॉक्टर शाहनवाज को फोन करती हूँ। अरे ये क्या डायरी? हाँ, फोन की डायरी तो गुल ले गई थी। हाँ जारा, गुल के कमरे में जाओ बेटा, फोन की डायरी ले आओ। Thank you.
यानी कि आमिर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे फूफी का हाथ है।